ट्रक खड़ा है ऊपर से ट्रैफिक अपोजिट साइड से भी तो अलग ही ट्रैफिक हो रखा है। जाना मेरे को अपनी गाड़ी में मन किया तो निकल जाओ भाई। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिलने मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी सीखोगे, मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है थर्सडे, कपड़े पहन के पता लग ही रहा होगा आपको थर्सडे है। और अभी सोचा मंदिर हो गया, मंदिर जाने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले मंदिर जाता हूँ, मंदिर से आके ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा ऑफिस और देखता हूँ आज और कहाँ कहाँ निकलना है। अभी पहले ऑफिस पहुँचते ही थोड़ी देर में निकलना है, कोई काम है मुझे वहाँ जाना है। और पता नहीं बैंक बंद है खुलने, बैंक का भी कुछ काम था वो देखूँगा, वो करवाऊँगा और देखते क्या शेड्यूल बनता है। और इवनिंग में देखता हूँ कहीं जाने का बनेगा तो जैसा होगा वो सब तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी। तो चलता हूँ फिलहाल ऑफिस के लिए निकलता हूँ, और सॉरी मंदिर के लिए निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस निकलते हैं और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। भाई अभी निकला था जरा किसी काम से और पहले ऑफिस गया था, ऑफिस से अब निकला हूँ थोड़ी देर रुक के, कुछ काम था ऑफिस में भी, बाइक भी वॉश कराने हैं, दो तीन काम कराने हैं, टाइम नहीं लग पा रहा, बार बार बोलता तो रहता हूँ मैं, देखना कितनी गंदी हो रही है बाइक, उसकी सीट लीक हो रही है, समझ नहीं आ रहा सर्विस पे दूँ क्या करूँ क्या कराऊँ। देखता हूँ जैसे सेटिंग बनेगी कोशिश करता हूँ इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में करवाऊँगा इसको, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लूँ तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी सही में। और आज धूप का निकली हुई है, काफ़ी दिन से क्या माहौल रहता है। गाड़ी वाले को ज़्यादा जल्दी हो रही है, देखते रहे अलर्ट क्रॉस कर पाते हैं इसको ज़रा, तब बेटा अलर्ट क्रॉस कर निकाल जल्दी भाई निकाल, वो तो हम बजा रहे हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता, अपने दिमाग से निकालनी पड़ती है गाड़ी, ज़्यादा दिमाग दरबंदे होते हैं ना ऐसे ही होता है। तो वेट करो पहले तो रह लेट होगी भाई। चलो भाई निकल गया ग्रीन हो गई, और पर जिस काम से आ रहा हूँ वहाँ से मैं सीधा वापस घर ही ऑफिस ही आना है, मतलब घर ऑफिस की बात है ऑफिस ही आना है, इसके अलावा अभी और कहीं तो जाने का कुछ प्लान है नहीं, देखते हैं इवनिंग तक कुछ प्लान बनेगा, किसी काम से निकलना होगा वहाँ निकलूँगा फिर। फिलहाल तो जो एक ये काम है ये काम करना फिलहाल, पहले ट्रैफिक हो रखा है पता नहीं क्यों। और कल है रिपब्लिक डे, जब आप ब्लॉग करते हो उस दिन है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे फ्राइडे को कल रिपब्लिक डे है, देखते हैं क्या माहौल रहता है। रिपब्लिक डे ये भारत का नेशन जो कि लिखा गया था तो उस पर है रिपब्लिक डे, कल बनेगा, कल परेड वगैरह निकल गया है दिल्ली दिल्ली में इंडिया गेट पे, बहुत बढ़िया लेवल पे होती है, मतलब परेड में बहुत चीज़ें होती हैं ऑल ओवर इंडिया, जो चीज़ें चल रही हैं जो कुछ हो रहा है वो सब उसमें डिस्कस होता है। अरे देखो मेरे आगे ग्लॉस्टर आ गई, एमजी ग्लॉस्टर, गाड़ी के पीछे से थोड़ी सी शेप में कमी है, बाकी सब कुछ ठीक है, अडास सिस्टम है इसमें, फोर व्हील ड्राइव है, इसके एग्जॉस्ट देख लो चार एग्जॉस्ट हैं, गाड़ी देखो कैसे हिल रही है देख रहे हो, ये स्मूथ शोकर है इसके, बस थोड़ी सी लुक में थोड़ी सी कमी रह गई इसकी रह गई है, तो अदरवाइज सब कुछ बढ़िया है वैसे तो गाड़ी का। जाम लगवा लेते हैं यार, जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे चलते रहो, रोड क्रॉस करने वाले होते हैं जो गाड़ी वाले बाइक वाले होते हैं वो जाम लग जाएगा, जो कोई भी एक दो गाड़ी बीच में आ गई गलती से आ गई तो जाम लग जाएगा, लोग देख के बीच में नहीं आते ना जगह हो तब आने चाहिए, बिना जगह के भी घुस जाते हैं, अब कोई फंसा भाई बस के आगे उसकी वजह से जाम है बस। बस वाला बेचारा कहाँ निकाले कहाँ जाएगा, ओहो ट्रक खड़ा है ऊपर से ट्रैफिक अपोजिट साइड से भी तो अलग ही ट्रैफिक हो रखा है। भाइयों अभी तक तो दिन सही जा रहा है, देखते क्या शेड्यूल रहेगा कैसा दिन रहेगा, दोबारा लेट आ गई
चलते हैं, नहीं रेड लाइट पहले आ जाती है। चलो भाई निकल गया ग्रीन हो गई थी, अभी सीधा जाना बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़ना, इधर से चलते रहो, रोड ऐसे ही है, चांद को जाना है स्ट्रेट है, वाली ग्रीन निकली है, बढ़िया हो गया। यहाँ भी जाम आज दिन में तो नहीं होना चाहिए, शाम को दही बल्ले खाने आते हैं लोग, तब होता है। जाम का कुछ नहीं कहते हैं, कभी भी कहीं भी लग जाता है। बंदर आ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, इसे तो आगे निकलूँ। जाम क्यों लगा हुआ इधर, आप तो खाने वाले भी इतने नहीं हैं, इसके बल्ले वापड़े होते हुए ना लोग खाने पीने पहुंच जाते हैं, तो आप तो खाने पीने वाले भी इतने नहीं दिख रहे, तब भी जाम है। सही है, सही है, लेट हो गई, अब रुकना पड़ेगा। चलो भाई मैं ज़रा पहुँचते जिस काम से जा रहा हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे बाद में। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होकर निकल गया वापस, और अब सीधा घर जाऊँगा यहाँ से, मतलब घर ऑफिस घर की बात है। मैंने सोचा घर ही जाऊँगा क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, सोचा तो लंच करके ही ऑफिस में निकलो दोबारा, फिर कभी फिर ऑफिस जाऊँगा तो दोबारा लंच भी आना ही पड़ेगा, तो एक साइड साइड की पहले लंच कर लूँ, उसके बाद ऑफिस जाना तो है ही, देखते हैं फिर और कहीं निकलने का क्या शेड्यूल बनता है, जैसा हुआ तो प्लानिंग करूँगा। और अब ठंड थोड़ी कम हो तो सोचा हूँ राइडिंग वगैरह थोड़ी मॉर्निंग में स्टार्ट करें, जैसे TVS की राइडिंग होती है तो उसमें सोचने मतलब ज्वाइन करने उसको ज्वाइन करने सोच रहा हूँ, उसमें थोड़ा गार्ड्स वगैरह पहनने पड़ते, सब कम्प्लीट चलना पड़ता है, तो गार्ड्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे, लेग गार्ड वगैरह जो होता है हैंड वगैरह के लिए, सेफ्टी गार्ड्स जितने भी हों सब लेके कैरी करने पड़ते हैं, तभी वो राइडिंग पे जाने देते हैं। देखता हूँ तो मतलब आउट ऑफ दिल्ली तो नहीं, दिल्ली दिल्ली का ही करूँगा, फिलहाल कॉल आ गई है, पहले कॉल अटेंड कर लूँ। तो भाई कॉल अटेंड करके निकल गया हूँ, और मतलब कॉल अटेंड तो कर ही, क्या कॉल कटी गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी कॉल बैक करी हुई मैंने, मैंने सोचा कि चलो पहले पहुंच जाता हूँ फिर करूँगा, कैसे टाइम वेस्ट होता रहेगा, बार बार फिर फोन पे फोन कभी किसी का आया कभी किसी का आया था, तो इट्स बेटर कि पहले पहुँच ही जाऊँ। ये देख लो बहुत बढ़िया भी है, फोन तो है थोड़ा, अरे अच्छा नहीं ब्रेकर है थोड़ी, वो रख दिया अभी रहेगी थोड़ी सी, और ट्रिप पर निकलने सोच रहा था आज निकलने की, या कल रात कल सुबह निकलने की सोच रहा हूँ, पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि अकेले तो नहीं जाने का मन है, कि थोड़ा सा साफ हो जाए, कोई और भी हो जाए, दो फैमिली हो जाए तो निकल जाऊँ ज़रा, मैं कभी बच्चे ही अच्छा रहेगा। ग्रीन मिल गई है, बढ़िया हो गया, राइट मुड़ने वाले ज़्यादा हैं क्या, नहीं भाई राइट इनको मुड़ना था वो मुड़ गए, सही हो गया काम। तो बात करूँगा कोई अगर फैमिली एवरी होती चलने के लिए, तो देखता हूँ निकल ही जाऊँगा पल, ठीक है फिर देखते हैं क्या रहेगा, पता नहीं अभी सब नहीं पता, लाइट ग्रीन है लोग चलने तो निकलने हैं, तो फिर उतना पड़ेगा।
बजे निकल ही गया, तो मेरे को ये लगा कि रेड ना हो जाए तब तक। उनके कॉम्बिनेशन ऐसे चलते हैं रेड लाइट के, एक ग्रीन तो दूसरी रेड, बट हो गया सही। जेंट तो बहुत अच्छा मकर गाड़ी फॉर्चुनर ले जाए कि जब आप लगे फॉर्चुनर का फॉर्चुनर है। अब आ गई है रेड लाइट, जाम हो रखा है इधर तो भाई, इधर रोड कंजेस्टेड हो चुकी है। चलो भाई अब पहुँचता हूँ मैं घर, लंच वंच करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और बातचीत करते दोबारा। भाई अभी निकला था जरा आप लोगों से बातचीत करने का थोड़ी सी, और पास में जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इवनिंग में काम था, वो काम कैंसिल होके जाना, अरे यार लेट है। तो भाई इवनिंग में एक्चुअली मैं कहीं जाना था, वहाँ जाना कैंसिल हो गया मेरा, तो इसलिए तो मैं चलो ठीक है आप घर पहुँच के, फिर मैंने कहा चलो चाय पी के चलते थोड़ी सी राइडिंग करके आते हैं, तो आप लोगों से बातचीत करता हूँ। बस आप लोगों से बातचीत वगैरह करके मैं वापस घर जाऊँगा, डिनर का टाइम हो ही जाएगा, डिनर वगैरह करके फिर रेस्ट करना है। और कल ट्रिप पे जाने सोच रहा था खाटू श्याम जी, लेकिन यार फाइनल सा नहीं हो पा रहा कुछ, तो हो सकता है ना भी जाऊँ, हो सकता है निकल भी जाऊँ, कुछ नहीं पता। फिर जाना मेरे को अपनी गाड़ी में, मन किया तो निकल जाऊँ भाई, और भाई मन किया तो सुबह सुबह निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर देखते हैं अगर किसी से सेटिंग हो गई, बातचीत बन गई कि कोई और भी चलने लगे तैयार है, तो उसके अकॉर्डिंग से देखते हैं जैसा भी होगा। फिलहाल तो भाई ठंड बहुत हो रही है, मैंने आज हाफ की पहन रखी जैकेट, इसके ऊपर हुडी पहनी, हुडी के ऊपर हाफ जैकेट पहनी मैंने, मैं चलो हाफ जैकेट पहन लेता हूँ आज। बट ये याद मेरा चीज नहीं है आप लोगों से बातचीत करने में निकलना है, चलो कोई बात नहीं, सर ठंड नहीं लग रही, थोड़ी सी हाथों में लग रही है, बस वैसे अंदर ठंड नहीं जा रही, फॉग तो हो रही है भाई, फॉग पूरी है, फॉग वॉग देख लो, देखो फॉग हो रही है, माहौल बढ़िया होना होगा ठंड वाला, तगड़ा ठंड है तौड़ी वाली, ये सही होगा, ग्रीन हो गई आप ही, वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाथ चिल्ड हो रहे बिल्कुल, कहाँ की ग्रीन है पता नहीं, राइट की ग्रीन तो है वैसे, चलो राइट में आज बने, चलो भाई राइट में चलता, लेकिन लोग जाने देंगे तभी तो। चला भाई अबे यार रेडी करा दी, कब क्या जाऊँ रेडी, सीधे चलते हैं। हाँ यार देखो जाना सीधा था राइट में, देखते हैं तो फिर चला रहा है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ठंड लग रही है मुझे, बढ़िया गाड़ी बैठे बैठे बीच बीच अटकाए जा रहे हैं। और भाई चैनल को लाइक वाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहो, वीडियो देखने तो आप यार सब्सक्राइब नहीं करते बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया हो रही है भाई साहब।
विजिबिलिटी बहुत लो है आज तो, ऐसा ठंड भी लग रही है। मैं यहाँ से यूटर ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बहुत ठंड, आगे नहीं जा रहा मैं, मेरे पास की नहीं भाई। यूटर लो, वेट करते पहले तो। तो भाई यूटर ले लिया मैंने वापस, कोई फॉग हो रही है पूरी तगड़ी, देख सकते हो बढ़िया फॉग हो रही है, ठंड भी हो रही है सॉलिड। ओ भाई ओ भाई, कल भाई साहब दिल्ली पूरी सील हो चुकी है, सारी होलसेल मार्केट सील है, कल दिल्ली बंद है पूरी। कल मतलब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को दिल्ली पूरी बंद होती है, लाल किले के आसपास, इंडिया गेट के गेट के आसपास तो एक एक चीज़ बंद होते, मंदिर तक बंद होता, मंदिर में भी जा सकते आप। कल खुल जाएगा, मतलब अभी आज के लिए बंद हो जाती है मार्केट, मंदिर के आसपास मार्केट, मंदिर खुला होगा, इसके आसपास जो भी शॉप्स होगी प्रसाद की या किसी भी चीज़ की हो सब बंद होगी इस टाइम। लाल किला के आसपास ये सारा सिस्टम रहता है, तो ध्यान रखना कभी आप, आगे के लिए बता रहा हूँ। चलो जी ग्रीन हो गई है, चलते हैं। फॉगी नाइट है, फॉगी वाली नाइट, फॉगी फॉग एवरीवेयर। आज सही फॉग है वैसे, एयरपोर्ट वाले में क्या बात है, फंक्शन तो लगता है बोर्ड तो लगे फंक्शन है एयरपोर्ट वाले में, बढ़िया भाई सब करो फंक्शन। तो भाई ग्रीन कब होगी, रेड हो रखी है। चलो भाइयों निकल गया, ग्रीन हो गई। आज उम्मीद नहीं जितनी फॉग की, वैसे जितनी फॉग हो रही है देखो नई स्विफ्ट लग रही है चमकती हुई, डिपो से बंदे साइड कर लिया। हाँ भाई यार लर्निंग वाले माहौल बढ़िया है, खाली खाली माहौल हो रखा है, अंधेरा है, रात हो गई ज़्यादा और ठंड भी है ज़्यादा आज, बढ़िया वो ठंड सब कुछ रात कर दे भाई। हाँ भाई तुमसे बातचीत करने के लिए निकला आज, कल का देखते हैं कैसा रहेगा, कल 26 जनवरी है, कल परेड वगैरह सब होती है, मतलब टीवी पे आता है सब कुछ ऊपर, इंडिया गेट के आसपास पर मैंने बताया अभी आपको चीज़ होगा सारा दुकान मार्केट सब बंद है, कल तो पूरी दिल्ली बंद है, मतलब कुछ काम नहीं कर सकते आप अगर आप शॉप खोल रहे हो, मतलब वैसे काम वाली होल सेल मार्केट में या फैक्ट्री वगैरह, तो 5000 रुपये का चलाना है बढ़िया वाला चलाना, तो छुट्टी मनाओ, रेस्ट करो। तो भाई साहब लंबी लाइट है, तो भाई लाइट हो रखी थी लंबी, मैंने भैया चलो मेरे को घर भी जाना है, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, मैं सर्विस लाइन में से होता हुआ घर निकल जाऊँगा, तो इतनी दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने अंदर से निकाल ली बाइक, सर्विस लाइन होते हुए घर पहुँच जाऊँगा जल्दी। अरे भाई बुलेट वाले भाई साहब ने बुलेट टाइम पर चला दी, थोड़ा सा रॉन्ग टर्न लेना पड़ता देख लो, वो तो लेना पड़ेगा ही, फिर लाइट बहुत लंबी थी, मैंने वहाँ से आऊँगा फिर वहाँ से घूम के यू टर्न लेके आने के, तो इट्स बेटर कि यहीं से निकाल लूँ फिर मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। हड़िया हुआ मुझे जाने दो, राम मंदिर के झंडे लगे हुए पूरे एरिया में, यहाँ पर बंदा पूरी मार्केट में प्रॉपर लगे हुए हैं। तो भाई चलो मैं पहुँचता हूँ अब घर, घर पहुँचते हैं उसके बाद आपसे बातचीत करता हूँ, और मेरे को जाना नहीं है, मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि भाई साहब पूरा चिल्ड होकर जा रहा हूँ घर पे, तो इसलिए नॉर्मल तो करनी पड़ेगी ना बॉडी को, तो फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम है, उसको चार्ज करूँगा। चलो भाई चलते हैं, पहुँचते हैं भाई। वहाँ से आने के बाद बस डिनर वगैरह किया, डिनर करके अब बाइक को पार्क करने आया था अंदर, बाइक को अंदर पार्क कर दिया है, और बाइक पार्क करके अब चलूँगा रेस्ट करूँगा और ब्लॉग को एडिट करूँगा, ब्लॉग को एडिट तो करना ही है, और बाइक मेरी आगे खड़ी है, नई वाली बाइक पीछे खड़ी है आप देख सकते हो। तो चलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के नहीं बताओ सर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब तक ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।